हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम स्पेशल मोड और एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स को देखने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। चलिए क्यूरा के स्पेशल एंड एक्सपेरिमेंटल मोड्स देखते हैं। पहले जाते हैं स्पेशल मोड्स पर। सबसे पहला आता है प्रिंट सीक्वेंस। जब भी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्लाइस करते हैं तो सबके लेयर एक साथ ही प्रिंट होते हैं। जब हम ऑल एट वन सिलेक्ट करते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट की फर्स्ट लेयर प्रिंट होने के बाद प्रिंटर सेकेंड ऑब्जेक्ट की फर्स्ट लेयर प्रिंट करता है। जब हम सीक्वेंशियल प्रिंटिंग ऑन करते हैं तो हर एक मॉडल इंडिविजुअली प्रिंट होता है। एक मॉडल कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा चालू होता है। ये बैच प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑल एट वन से प्रिंट देते हो एंड पावर फेलियर या नोजल क्लॉक हो जाए तो सब मॉडल्स फेल हो जाएंगे। बट इन केस ऑफ सीक्वेंशियल प्रिंटिंग एक ही मॉडल फेल हो जाएगा तो जो उस टाइम पे चालू था। हमने बैच प्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसपे हमने सीक्वेंशियल प्रिंटिंग के फ़ायदे बताए थे। लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है मोल्ड। ये सेटिंग्स मोल्ड बनाने के लिए यूज़फुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई भी मॉडल है एंड उस मॉडल का मोल्ड बनाना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। बट ये ऑप्शन बेसिक मॉडल्स के लिए ही यूज़फुल है। इसमें आप मोल्ड के हाइट, मोल्ड विड्थ, मोल्ड एंगल सेटिंग्स को डिफाइन कर सकते हो। बट इंजीनियरिंग मोल्ड्स के लिए इट्स रिकमेंडेड कि आप मोल्ड को एक्चुअली डिज़ाइन करें कीपिंग दी टॉलरेंस इन माइंड। बट सिंपल बेसिक मोल्ड्स के लिए ये एक यूज़फुल फीचर है। फिर आता है स्मूथ स्पायरलाइज्ड कंटूर। इसे वेस्ट मोड भी कहते हैं। स्लाइसर मॉडल्स को सिंगल वॉल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करता है एंड जी हाइट में एक सिंगल स्मूथ मोशन में प्रिंटिंग करता है। ये मोस्टली वेजेस एंड रफ प्रोटोटाइप्स के लिए अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इससे प्रिंटिंग टाइम कम हो जाता है एंड वेट भी कम होता है। फिर आता है रिलेटिव एक्सट्रूजन। इसे ऑन करने से स्लाइसर जी कोड रिलेटिव पोजिशनिंग से जनरेट करता है। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो हमारा जी कोड का एक वीडियो है। द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन प्रेस ऑन द आई बटन। बेस्ट है कि ये सेटिंग्स आप इग्नोर करें क्योंकि हर प्रिंटर ये सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट जाते हैं एक्सपेरिमेंटल मोड्स पर। क्यूरा के जितने भी बेटा वर्जन के सेटिंग्स होते हैं वो विच मे और मे नॉट बी स्टेबल, वो सब यहाँ होते हैं। एंड वंस दीज सेटिंग्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड एंड अगर उन सेटिंग्स से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो इसे ऊपर वाले टैब्स में मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्री सपोर्ट्स पहले एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में हुआ करते थे, अभी ये सपोर्ट सेक्शन में ही मिल जाते हैं। इसमें बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, मैं इन्हें एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने खुद काफ़ी सारे यू सेटिंग्स यूज़ नहीं किया है। आप चाहिए तो इंडिविजुअली सेटिंग्स को ट्राई कर सकते हो एंड देख सकते हो कि अगर आपको ये अच्छा लगता है। और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी वाले क्यूरा के रीसेंट वर्जन में ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स है जो आपको बहुत पसंद है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको न्यू कंटेंट मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिंटिंग।